हेलो आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 स्टूडेंट्स, फिजिक्स का पेपर हो गया। फिजिक्स का पेपर कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बताइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था फिजिक्स का पेपर डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा, इजी भी नहीं रहेगा। फिजिक्स का पेपर स्टूडेंट्स के मतलब एवरेज के हिसाब से, एवरेज स्टूडेंट के लिए पेपर्स डिफ़िकल्ट था, टॉपर स्टूडेंट के लिए पेपर अच्छा था। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स जो रिव्यू आए, देखिए एमसीक्यू चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो आपने एमसीक्यू किए हैं, ये एमसीक्यू के आंसर्स यहाँ पर दे दिए मैंने। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स कुछ टीचर्स के रिव्यू हैं जो आपको बताता हूँ। जैसे टीचर्स ने एक बोला कि नहीं सर, जो पेपर्स है वो अच्छा पेपर्स है, क्योंकि ये पेपर टॉपर बच्चों के हिसाब से, मतलब जो हर साल पेपर आता था वो डिफिकल्ट आता था, उसके हिसाब से पेपर इस साल ईजी आया है। मतलब हर साल और डिफिकल्ट आता था, इस साल ईजी आया है स्टूडेंट्स। और पेपर ना स्टूडेंट्स, जो बच्चे एवरेज वाले हैं उनके लिए पेपर डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें स्किल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए थे। और अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से जो टाइमिंग हो 2 आवर का वो कम पड़ जाता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए और बच्चों के कैपेबिलिटी देखी जाए एवरेज बच्चों के हिसाब से, तो पेपर को डिफ़िकल्ट साइड की तरफ बोला जा सकता है। पर ओवरऑल स्टूडेंट्स, आईसीसी ने इस साल जो पेपर निकाला है फिजिक्स का, द स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद द पेपर। स्टूडेंट्स आपका पेपर कैसा है क्या कमेंट में बोलिए। और अब रह गया साइंस के 2 पेपर, केमिस्ट्री एंड बायो। केमिस्ट्री पेपर भी आपका ईजी जाएगा स्टूडेंट, बायो सबसे ज़्यादा ईजी पेपर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप हार्डवर्क कीजिए, आपका एवरेज काफ़ी अच्छा आएगा। किसी का पेपर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो केमिस्ट्री बायो में आप कवर कर सकते हो, क्योंकि साइंस में